Atatu anoni. Atatu anoni. Saka last, so is please be the more emotional. Ekto emotional ka lang na. Last pa paste. So ang rules lo ka. Nisi niyo itong magyan nga president, mga secretary. Dulu ga ako aba mo ga che tata che atam awa che gobin o malang ga yo executive members sa ongo ongo ga secretary o kas ga mo ga ane ba ani go ba na ya der na ne ka sach me ngo ya der me den me har ne mulu ga function ga chota jab se mulu elect kam deka hai suna hai tab se jab bhi function hota hai nishi ga So si hindi ko pinsan sa ito domo pa lekin kore me asan to nahi hai discourage sa musupa lekin ye jo hai asan to nahi hai rasta to jo bhi ho to katin hai lekin hoga when English according to when the going is tough get the going tab aadmi ka abilities ko आदमी का कैरेक्टर्स को उसका एम्बिशन को उसका मकसद को तब पहचानता है जब जो चीज जो है तकलीफ होता है दौर जो है कठिन होता है तो अभी सच में मुलू का जो है बहुत कठिन समय है और लेकिन एक ये भी है कि मुलू एक प्रिविलेज है मुलू माने धोनी का जीना को मंग पा कि मुलू सो समय से मुलू में काउ धोना कि मुलू अनिल धोनी का गांव में अनिल धोनी का गमले में मुलुग अतो आवोग रचन बिंचन में मुलु मृग मो देबो बिंग मो देबो कदि का उन लोग का जो मुलुग अतो आवोग रग बिंग मो में उसका रक्षा के लिए हम लोग को एक रोल अदा करने के लिए मौका दिया है ये मुलु के लिए बहुत ही ऑनर और प्रिविलेज है चाहे मेरा नाम हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है लेकिन मुलु को एक मौका दिया है ये सबसे बड़ा बात जितना भी मुलू जो कर रहा है जैसे कर रहा है जो मौका सेक्रेटरी ने बताया जो करना है वो पूरा बताया है इसमें जो करना है जो नॉर्मल जो काम करना है वो करना है ही है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुलू अभी ये ध्यान देना है कि वो सोचता है कि मुलू का जो रायन यरकम पगलन का भी इसमें ये ध्यान देना है कि वो बार बार चाचुंग में इंटरव्यू लेते रहता है उसे भी वो बोल रहा है कि मुलू का जो डिसिप्लिन और जो स्पिरिचुअलिटी पर मुलु ध्यान देने का बहुत ही जरूरी है वंस अगर आपको स्पिरिचुअलिटी मिल जाएगा स्पिरिचुअलिटी वंस यू रिकॉग्नाइज स्पिरिचुअलिटी को मिलेगा तो आपको करने के लिए आपको बोलने का जरूरत नहीं है आपको डिसिप्लिन करो बोलने जरूर नहीं है आप अपना आप से निकले जब हम स्पिरिचुअलिटी का बात करता है तो मुलु आदमी सोचता है कि क्या है स्पिरिचुअलिटी कैसा है स्पिरिचुअलिटी हम नहीं सुनते वो जहां तक समझता है कि स्पिरिचुअलिटी वो है कि हम अपना आप को पूछता है कि हम इस दुनिया में क्यों हैं व्हाट इज माय पर्पस ऑफ बीइंग इन दिस वर्ल्ड खासकर ये दुनिया में आने का मेरा क्या मकसद है वो दुनिया में बहुत बल्कि भी इस समाज में इस निसी समाज में इस जगह में हमको पैदा क्यों किया है दूसरा जगह में भी हो सकता था यहां पैदा क्यों किया है और मेरा ही समय में इस तरह का वातावरण हमको देखने को क्यों मिल रहा है ऐसा अपना धर्म का बारे में अपना कल्चर का बारे में आपको क्यों देखने को मिल रहा है और इसमें हमको कुछ करना चाहिए मेरा दिल में क्यों आ रहा है ये सोच को जानना और उसमें करने के लिए मेरा भगवान कौन है भगवान क्या चीज है भगवान कौन है ये जानना और मैं कौन हूं ये जो चीज जब अपना इन अंदर बाहर को क्वेश्चन नहीं करके अंदर में जब क्वेश्चन शुरू हो जाएगा अंदर का जब क्वेश्चन को शुरू करेगा और अंदर का क्वेश्चन को जितना भी अंदर का ना दिल का अंदर दिलो दिमाग का अंदर में जो सवाल उठता है उस सवाल का जवाब पाने के लिए
ये जो हम मानता है, धोनी को मानता है, पोलो को मानता है, जो प्रकृति को मानता है, ये उस सवाल को पाने के लिए हमको कितना योगदान दे रहा है, ये हमको कितना मदद कर सकता है उस एबिलिटी, उस कैरेक्टरिस्टिक को, उस अच्छाई को समझना, उसको लेना हम लोग को, तब जाके स्पिरिचुअलिटी मिले। हम लोग का रिफॉर्मेशन जो हम जो कर रहा है, बाहर का कर रहा है, ये हम लोग रिफॉर्मेशन, जैसे हम अभी नामलो में बनाया है, दिस आर द रिफॉर्मेशन, लेकिन हमको चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन का जरूरत है। रिफॉर्मेशन तो ये कर रहा है, ये बाहर का लुक है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये बाहर का लुक का साथ साथ हमारे जो अंदर का कैसे हम चेंज कर, एक इंसान कैसे बदल सकता है, कैसे अच्छा बदल सकता है। देखो नामलो नामलो कर रहा है, करने वाला करता है, लेकिन नामलो का आप देखिए बहुत कम ऐसा है कि जो नामलो जाके जिसका जिंदगी वो सुधरता है। तो सच में क्रिश्चियनिटी में देखिए, जो पी के झगड़ा करने वाला, दूसरा को गाली ग्रोस करने वाला, वहां पे अगर चर्च में जाता है, वो ऑटोमेटिक पीना छोड़ के वो अच्छा आदमी बनता है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। और ये मुनु नहीं आता वहां, जब क्रिश्चियन से भी जब कोई निकलता है, निकलने वहां भी पीने के बाद में, जैसे ही धोनी पोलो मुनु का इंडिजिनस में आता है, वो फिर पीना शुरू हो जाता है, फिर वही हालत शुरू हो जाती है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। और मुनु का बोलने जाने में हम लोग का इतना सुंदर नॉलेज है, जो हमको प्रकृति ने दिया, जो नेचर ने, मुलुगा अतो आबो ने जो जो धर्म हम लोग को दिया है, इससे अच्छा धर्म और कोई हो ही नहीं सकता। सिर्फ इतना है कि हम उसको समझना है, हमको उसको थोड़ा सा अपना टाइम देके उसको समझ के, क्यों ये धर्म को हमका माँ पिताजी ने दिया, अतो आबो ने क्यों दिया, उसको समझ के, उसका अच्छाई को समझ के अपना आप में उतरना। इसमें होगा जो भी न्यू एजुकेटिव मेंबर होगा, अच्छे भेजा दो मोपा और तुम सर और चागम दोनों गम, मतलब मुलुगा लकी है, ब्लेसिंग वाला गम आई, चागम हो तुम हो रगम बिंगम, ये जो लक है दोनों का जो है मुलु के लिए बहुत लकी है। तो मनीगा लीडरशिप में ये चीज को और अच्छा से मुलुगा ट्रांसफॉर्मेशन हो लाएगा सोचता है। मंगन नो देखो रना पीना सी अभी भी मतलब देखता है कि गुरु जब ऐसा करने से दूसरा का दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में लोग हों तो पूरा चकाचक एकदम एकदम अच्छा से सुंदर से, जब मुलू का आता है तो हर चीज पे मुलू जैसे तैसे, तब जो देखने वाला भी देखता है ये तो जैसे तैसे कर रहा है, ये लोग इतना हाई फाई भी नहीं है, इतना ऑर्गेनाइज भी नहीं है, छोड़ दो। लेकिन इसमें ही मजा है, ऐसा करके लोग अभी भी देखने से, किसी पहले का जमाना में एक फटा हुआ कपड़ा में पहन के फोटो लिया है, नो माइक तेरा बेका में भाषण मारा है, लेकिन वो पर्पस जो है अच्छा के लिए था, तो उस फोटो को देखने से कितना सिंगारा रहा है, कितना प्राउड भी होता है। तो ये मूवमेंट भी उसी तरह का ही गुरु में देने वाला है। इसलिए गुरु जितना भी जो आने वाला जो है, तो वो नहीं है कंपा, ये सब ठीक नहीं है, हाई फाई नहीं है, ये नहीं सोच के, यही मुलू उस के लिए नहीं, बल्कि मुलू का जो इनर चीज के लिए मुलू आया है, हम वो मंगपा नो रबान अला कोई तामसर सा तो दोमो पा दिंगसा तो दोमो पा। फिर भी जितना तक छोटा मोटा जो ऑर्गेनाइजेशन में देखा है, एक्सपीरियंस किया है काम करने में, वो दो चीज वो यापुम को हमेशा शेयर करता है ये बात। एक चीज जो है कंप्लेन नहीं करना है, मुलुगा जो सोशल वर्कर है, जो यहाँ पे आता है, जो काम करने के लिए आता है, कंप्लेन नहीं करना, ये ऐसा हुआ वो ऐसा, हाँ ठीक है बोल, लेकिन उसको दिल में नहीं रखना। एक चीज जो है कि मेरा तीन चीज होगा, एक कंप्लेन नहीं, एक चीज जो है हमने ऐसा किया था, हमने वैसा किया था, वो का वजह से ये हुआ, वो का वजह से, ये सोशल वर्कर को शोभा नहीं देता, ये बोलना नहीं। दूसरा जो है सबसे पहले अपना प्रॉब्लम को नहीं बता, मैं बिंगोना मोगा ऐसे हो गया या मेरा ऐसे है, ऐसे जाने मेरा ये है, तो जो करने वाला है उसका भी पहले से दुनिया भर का प्रॉब्लम है, अभी उसका सुन के वो भी डिमोरलाइज हो जाए। तो ये तीन चीज सोशल काम के लिए, मतलब वो लोग भी दूसरा से सुनता है ऐसा करना चाहिए, हम लोग भी ऐसा गलती से बोल देता है लेकिन लोग ऐसा बताता है, तो इसको सीख के जाने से अच्छा रहेगा। और लास्ट में जाते जाते जितना भी होगा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो तीन साल में और जो कोई जो है छः साल में जो साथ दिया है, उन सबको तहे दिल से थैंक यू, एकदम बहुत बहुत
डील से एकदम डील का से है मन में पाया नहीं चौकी करना मलन में हुआ या पुंग में तो कभी गाली भी देता है झगड़ा भी करता है फिर भी जो भी हो अच्छा के लिए हुआ है मनुष्य समाज के लिए किया है और वो होगा मलंग बिंग तक पे करना हुआ ये कम में मन हो गए बनना सर होगा मिसेस सच में वो हमेशा बोलता है कि जब कुछ गुरु बोले जाता है कहीं में लेक्चर देने जाता है कुछ बोले जाता है जब घर में झगड़ा करके आने से वो तेज नहीं होता है बोलने के लिए ना मतलब तेज ही नहीं होता है दो को मना है आलोक एकदम जा ऐसे जा रहे बोलने से विशेष हाँ अच्छा से बोल के आओ बोलने से बाहो कद हिलो आए एकदम तेज रात है इसलिए अगर कहीं में अगर ऐसे जोश पे अगर अच्छा बोला वाला होने से क्रेडिट तो वो जिम्मेदार बन जाता है उसका ब्लेम उसका सही में उसका साथ है सपोर्टिव का हिसाब से तो उसी तरह गुरु की जिम्मेदार का निकाल में जिम्मेदार तो और ऐसे तकलीफ है जो जिम्मेदार जितना जिम्मेदार यहाँ में जो करता है सच में जिम्मेदारों का तो बहुत तकलीफ है वो तो सोच देता है गुरु एक मिस्टर बन के देखता है तो वो मिसेस इधर घर में दिखाई नहीं देते से अरे कहाँ गया लेट होने से अरे कहाँ गया तो लेकिन मुलू का साथ में जब जो औरत लोग करता है तो लेट होने मुलू आए रुको ना थोड़ा काम करेगा बीएम दोनों भी मुलू वो फील कर देता है कि अरे उसका भी ऐसा हो रहा हो तो मन होगा और ज्यादा इम्पोर्टेंट मन होगा और ज्यादा अच्छा रैली मन में तारीफ का काबिल है तो बहुत मलंग में वो लोग ना मुलू जैसे अच्छे बोला है कि मुलू ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि एग्जीक्यूटिव में नहीं है इसका पार्ट नहीं रहेगा लेकिन और ज्यादा गुरु बोलने के लिए सोचेगा और ज्यादा करने के लिए सोचेगा मनोवा साहब ने ये तो मरते दम तक जब तक नहीं मरेगा तब तक ये चीज तो जारी रहेगा और वो 100% मतलब 200% वो तो विश्वास करता है कि गुरु का ये एक ना एक दिन तो पक्का इसको लोग मानेगा ही मानेगा गुरु का बोली बोलना इतना अच्छा है इतना अच्छा है सिर्फ उसका गहराई अभी तक हम लोग शुरू किया ही नहीं है अभी हम लोग एक दो साल से शुरू हो रहा है कि मेरा में ये स्पिरिचुअल नॉलेज है मेरा में ये अच्छाई है हम लोग का अच्छाई को हम लोग अभी तक बताया ही नहीं है दुनिया को सिर्फ हम लोग एक कोना में बताया लेकिन उसको लिख के उसको प्रचार करके प्रमोट करके लोगों का जैसे हम लोग उसको ट्रेनिंग दे के प्रीचिंग कर शुरू किया ही नहीं है ऐसे शुरू नहीं करने के बावजूद भी उन्होंने थोड़ा बोलने के बावजूद भी वो लोग हिल जाता है अगर मुलुक ऐसा ट्रेनिंग दे के एक एक छोड़ देगा प्रचार छोड़ देगा तो और क्या होगा और लोग समझ सकते हैं इसलिए मुलुक ये बहुत अच्छा होगा और मानो मुलु मलंग है मानो बहुत लकी है धन्य है वो तो बार बोलते हैं मानो धन्य है वो माँ पिताजी जो आप लोग को पैदा किया है इस काम के लिए धन्य है वो जगह वो भूमि जहाँ पे आप जन्म लिया है क्योंकि आप उस जगह के लिए आप अपना माता अपना पूर्वज के लिए जो मुलु कर रहा है जो भी आप लोग सोच रहा है जो आप लोग टाइम दे रहा है सच में ये यही वो तो सोचता है कि यही हम लोग का मकसद है दिस इज द पर्पस फॉर बीइंग इन दिस वर्ल्ड हम लोग का यही पर्पस है वो मेन पर्पस यही लगता है तो मलंग में लगता था वो का इमोशनल मोदा सो मलंग में लोते लो रे लोग ना तो दो अरे दो जी तो अरे दो जी रविया तो अरे दो जी वो का सी दो साल दो तेल का कागज है लोगों का कागज कैसम हाँ अच्छे फाइल का सेक्रेटरी मानो फाइल है